कर दिया, भव्य रूप से उद्घाटन हुआ। यहाँ पे जो कारखाने बंद है, अस्पताल की जो जर्जर हालत है, उसका उद्घाटन कब करेंगे? सब समय पर हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल ही आपने देखा कि बिहार में दो दो मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है। एक बेगूसराय का आधारशिला रखा गया, एक रखा गया बक्सर का रखा गया। तो जो समस्या है आपने हमें अवगत कराया है, उस पर निश्चित रूप से ध्यान दिया जाएगा और इस पर शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा। इसकी चिंता आप नहीं कीजिए, चंद दिनों में आप देखिएगा कि किस तरह से वहाँ पर सुधार होता है। बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन समस्याओं के ओर आपने इशारा किया है, उसका हल निकालना हमारी प्राथमिकता में होगी और उसका हम हल निकालेंगे। यहाँ से लगातार श्री अनंत सिंह जी 5 बार लगातार यहाँ से चुनाव जीते हैं और इस बार के भी जो चुनाव में श्रीमती नीलम देवी जी को उतारा गया है, यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 तारीख का इंतजार हो रहा है। 3 तारीख को लालटेन छाप पर इतना बटन दबेगा कि नीलम देवी भारी मतों से जीत करके जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल यहाँ पर सफाया हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 7 बजे रात में भी कितनी बड़ी तादाद में महागठबंधन के सभी नेता यहाँ पर उपस्थित हैं और त्योहार का भी समय है, लक्ष्मी पूजा भी है। ये सब पूजा और त्योहार को छोड़ करके हमारे साथी लोग यहाँ पर चुनाव में काम कर रहे हैं और इस चुनाव में जो परिणाम होगा उसकी चर्चा हमने की कि इस बार का जो परिणाम होगा बहुत चौंकाने वाला परिणाम होगा और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं शुभकामना देने के लिए यहाँ पर आया हूँ जो हमारे उम्मीदवार हैं नीलम देवी जी को और समस्त कार्यकर्ता को और सभी पार्टियों के जो महागठबंधन में जेडीयू है, आरजेडी है, सीपीआई है, सीपीएम है, कांग्रेस है, सीपीआईएम है, सभी कार्यकर्ताओं को मैं शुभकामना देने के लिए आया हूँ कि आप बहुत मुस्तैदी के साथ, बहुत मेहनत और लगन के साथ इस चुनाव में आप काम कर रहे हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से शिकस्त देंगे और उनका इस बार यहाँ पर जमानत जब्त कराएंगे। यही शुभकामना देने के लिए मैं आया हूँ।